गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शंस। जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। 1/4, 3/4 ये दिया है। यहाँ पर देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर अनलाइक फ्रैक्शंस। जहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जहाँ पर न्यूमरेटर जो होता है लेस होता है डिनोमिनेटर से, मीन्स छोटा होता है। 1/2, 2/3, 3/4, 4/7 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर या और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, मीन्स न्यूमरेटर ऊपर की डिजिट को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे की डिजिट को बोलते हैं। लाइक 3/2 दिया है तो ये होगा न्यूमरेटर और ये होगा डिनोमिनेटर। मिक्स्ड फ्रैक्शंस वो होते हैं जो होल नंबर में बनते हैं, जो होल नंबर बनते हैं। 3/7 है, जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका क्या होल नंबर बनेगा? 2 होल नंबर, 1/3 जो होल नंबर में लिखे जाते हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। अ फ्रैक्शन मेड अप ऑफ द होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द मिक्स्ड फ्रैक्शन और द मिक्स्ड नंबर। उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं और मिक्स्ड नंबर भी बोलते हैं। एक्सरसाइज 9B, रिंग दी लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में रिंग करना है, और लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होता है। 2/5, 2/7, 1/5, 2/9। अब इसमें देखो जो डिनोमिनेटर है वो दो जगह सेम है, इसका 2/5 का, 1/5 का, तो इसमें रिंग कर दिया। 3/4, 3/11, 7/11, 7/9। यहाँ पर डिनोमिनेटर किसका सेम है? 3/11 का, 7/11 का। 1/6, 2/6, 2/3, 2/7। यहाँ पर भी आपका कौन कौन सा? 1/6 ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है और 2/6 यहाँ पर इन दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट 1/10, 10/12, 9/10, 7/10 यहाँ पे किस किस का डिनोमिनेटर सेम है? 1/10, 9/10, 7/10। दिस। नेक्स्ट 5/9, 8/9, 7/9, 6/9 यहाँ सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सारे फ्रैक्शन कौन से हैं? लाइक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट 4/13, 2/15, 9/15, 13/15 इसमें 3 लाइक फ्रैक्शन हैं, बिकॉज 3 जगह आपके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है। नेक्स्ट है, कलर द प्रॉपर फ्रैक्शंस ग्रीन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस रेड। तो प्रॉपर फंक्शंस कौन से होते हैं? फ्रैक्शन बताया, जहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए पी और आई लिख रखा है। 3/5, 3/5 मीन्स यहाँ पे देखो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/3 न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/9 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से। 2/1 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। 6/17 प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से। फिर यहाँ पे क्या है? 7/7 दोनों इक्वल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो मैंने ये तो यहाँ कलर नहीं किया है, बट आप लोग यहाँ कलर कर लेना। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें ग्रीन कलर से कलर करना, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें रेड कलर से। नेक्स्ट है टिक द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में टिक करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं जो होल नंबर की तरह लिखे जाते हैं? तो इसमें कौन से हैं? 2 होल नंबर, 2/5, 1 होल नंबर, 1/8, 7 होल नंबर, 3/6 ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गए। यहाँ पर सिक्स होल नंबर 5/12, 2 होल नंबर 8/9 ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएंगे। नेक्स्ट 8 होल नंबर 4/7, 3 होल नंबर 6/13 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इनमें टिक करना है, तो टिक कर दिया। डू दिस वर्क इन बुक ओनली। थैंक यू।